हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार में छठ की तैयारियां जोरों पर है। छठ जो कर रहे हैं, जो कर रही हैं, उनको घाट तक सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और यूं कहें कि पूरी तैयारी कर रही है। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, इसे पिछले 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाने की किस तरह से सड़क से गाद हटा करके प्रशासन ने इन रास्तों पर जो है सूखी मिट्टी और बालू गिट्टी डाल करके रास्ता बनाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक प्रशासन को इसमें कामयाबी मिली है। हालांकि कई जगह अब भी दलदल की स्थिति है और लोग कह रहे हैं कि यहां फिर से पानी जमा हो सकता है, लेकिन प्रशासन को शाबाशी देनी होगी कि प्रशासन ने छठ पर्वतियों के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत करके रास्ता बनाया है ताकि वो गंगा तक आसानी से पहुंच सकें और इस दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो, ताकि वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे सके। तो आप देख सकते हैं, ये पटना का कलेक्टरेट घाट का इलाका है जहां ये इन रास्तों का निर्माण किया गया है। राज्य की ओर जा रहे हैं और इस पूरे रास्ते में सरकार ने जो है काफ़ी ही, पटना प्रशासन ने काफ़ी ही बढ़िया काम किया है और काफ़ी कड़ी मशक्कत कर करके पूरे JCB मशीन से यहां पे मिट्टी लाकर डाला गया है, बालू डाला गया है और सरकार की जो है कई गाड़ियां दिन रात काम कर रही है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, साज सज्जे की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं कपड़े लगाए गए हैं, वे इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो है इधर जो इस रास्ते का जो कीचड़ था उसे उस तरफ डाला गया है, लोगों को स्वच्छता और साफ सफाई पूरा दिखे, ये मतलब इसके लिए ये कपड़े सब लगाए गए हैं। इस दौरान रास्ते में जगह जगह प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड भी लगाए हैं और लोगों से अपील की गई है कि छठ घाटों एवं उनके संपर्क पथों पर आतिशबाजी ना करें ताकि भगदड़ की स्थिति ना बने। जब यहाँ पे लोग कल के बाद परसों डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने आएंगे तो यहाँ लाखों की संख्या में इस सड़क से, इस मार्ग से लोग गुजरेंगे और इस दौरान बहुत ही कहते कि रास्ते कम पड़ जाएंगे वो स्थिति होती है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग गंगा जी तक पहुँचते हैं, उमड़ते हैं और गंगा में जा कर के डुबकी लगाने के बाद जो छठ करते हैं लोग, जो छठ पर्वती होते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो भी पटना प्रशासन ने पर्वतियों के लिए काफ़ी ही बेहतर अपने तरफ से प्रबंध किया है।
वक्त हम खड़े हैं कलेक्टरेट घाट पे और यहाँ पटना प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। घाटों पे बैरिकेडिंग किया गया है, एनडीआरएफ की देखिए टीम मौजूद है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी चारों तरफ बैरिकेडिंग करके कर दिया गया है और जगह जगह इस बात के बोर्ड लगाए गए हैं कि इसके आगे यानी कि बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाएं, इसके आगे खतरा है। बैरिकेडिंग न सिर्फ कलेक्टरेट घाट पे बल्कि इस तरफ जो है महेंद्रू घाट और अंटा घाट, इसके अलावा इधर दूर तक जहां है वो आपकी नज़रें जा रही है दूर तक, वहां जहां नाव लगाए गए हैं, बड़े बड़े स्टीमर लगे हुए हैं, वहां तक बैरिकेडिंग करके जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं कि इसके आगे जाना खतरा है। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, लगाई गई है। देखिए आप, एक मेरे सामने ही एनडीआरएफ की टीम है, इसके कुछ दूरी पर आगे भी एक एनडीआरएफ की टीम है, इसी तरह से जगह जगह एनडीआरएफ की टीम है। और ये देखिए वो भाई साहब पार कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तक जा रहे हैं। बैरिकेडिंग के पास जैसे जैसे जा रहे हैं पानी बढ़ रहा है, यानी कि लगभग कमर से ज़्यादा सीने तक पानी है और कहीं कहीं सीने से ज़्यादा यानी कि गले तक पानी है। यानी प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा है कि गले से ज़्यादा पानी कहीं नहीं हो। इस दौरान जगह जगह घाट पे चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में ऐसे चेंजिंग रूम हैं जहाँ पे चेंजिंग रूम छठ पर्व के प्रवर्तियों के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए ये चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इस तरह से प्रशासन ने वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है जो होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप कहें कि प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था किया है छठ व्रतियों के लिए, ताकि वो सुगमता से आसानी से बिना किसी डर के किना बिना किसी भय के अपने परिवार के साथ सूर्य भगवान को अर्घ दे सकें। इस दौरान वो खौफ में न रहें, ना ही डूबने को लेकर और ना ही किसी अन्य सुरक्षा को लेकर के। प्रशासन ने इसके अलावा जगह जगह पे नियंत्रण कक्ष भी बना रखे हैं और इस नियंत्रण कक्ष में आप देखिए कि तमाम आला अधिकारी बैठे हुए हैं जो इस बात के पे नज़र रखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। पर्याप्त संख्या में न सिर्फ पुरुष पुलिस बल बल्कि महिला पुलिस बल को भी लगाया गया है और लोग बड़ी संख्या में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने किसी तरह की दुर्घटना होने पे घायल लोगों को तुरंत ही मेडिकल सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके अलावा जगह जगह देखिए ये बनाए गए हैं, आप छठ की छठा का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ खड़ा होकर के आप सामने देख सकते हैं पानी की व्यवस्था की गई है, जो पेयजल की व्यवस्था है वो की गई है। तो कुल मिलाकर जो पटना प्रशासन है उसने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था किया है लोगों के लिए छठ व्रतियों के लिए कि वो बेहतर ढंग से अपने जो है छठ पर्व को मना सकें, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की मुश्किलों का न सामना ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा गया। इसके अलावा यहाँ पे लगातार इस बात की अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जो बैरिकेडिंग की गई है उससे आगे ना बढ़ें। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि अपने बच्चों के जेब में अपने घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और
उनके पिता का नाम लिखकर जरूर रखें, ताकि अगर वो बिछड़ते हैं अपने परिवार से तो उन्हें आसानी से उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। तो कुल मिलाकर हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखा गया है। हालांकि अभी भी घाट पर काम चल रहे हैं और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।